हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? एकदम ठीक। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बिल मीनिंग इन हिंदी विद एग्जांपल। इसका हिंदी और मतलब समझने के बाद हम इसको इंग्लिश सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। इससे आपको उसका प्रैक्टिकल यूज़ पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं बिल मीनिंग इन हिंदी विद एग्जांपल। फ्रेंड्स, आज जिस शब्द का मतलब समझने वाले वो है बिल। तो बिल का हिंदी मतलब होता है सामान या सेवाओं के लिए पैसे का लिखित वर्णन। तो जो सामान आप खरीदते हैं या जो सेवाएं आप खरीदते हैं उसके लिए जो पैसे आप देते हो, राइट, उसका एक लिखित वर्णन, उसको बोलते हैं बिल। तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, आई विल पे द बिल, इसका मतलब मैं बिल चुका दूंगा, राइट। तो अगर आप सपोज आपने जिम्मा उठाया कि आप बिल चुकाओगे, तो उस केस में आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं, आई विल पे द बिल। दूसरा एग्जांपल, लेट्स स्प्लिट द बिल, इसका मतलब बिल को आधा आधा बांट लेते हैं। ऐसा अक्सर लोग करते भी है, जब सामान खरीदते हैं तो आधा आधा दोनों लोग पे करते हैं। तो ऐसा कुछ बोल सकते हैं, लेट्स स्प्लिट द बिल। स्प्लिट का मतलब उसको विभाजित करना दो में। तीसरा एग्जांपल, प्लीज ऐड अप द बिल, तो इसका मतलब कृपया बिल को जोड़े। तो सपोज आपने सारा सामान खरीद लिया हो और आप कैशियर को बोलते हो कि टोटल करो उसे, ऐसा आप कुछ कह सकते हैं, प्लीज ऐड अप द बिल। चौथा एग्जांपल, कुड आई हैव द बिल प्लीज, इसका मतलब क्या मुझे बिल मिल सकता है, राइट। तो जब सामान खरीदते हो तो लास्ट में आप उनसे ऐसा पूछ सकते हो कि कुड आई हैव द बिल प्लीज, क्या मुझे इसका बिल मिल सकता है। उसका लास्ट एग्जांपल, यू शुडंट हैव पेड द बिल, इसका मतलब आपको बिल का भुगतान नहीं करना चाहिए था। तो सपोज आपके यहाँ कोई गेस्ट आया हो और वो गेस्ट जो सामान आप लोग खरीद रहे हो, वो गेस्ट उसका पेमेंट कर रहा हो, तो आप उसको ऐसा कुछ बोल सकते हैं, यू शुडंट हैव पेड द बिल, आपको बिल का भुगतान नहीं करना चाहिए था। फ्रेंड्स, बिल शब्द का दूसरा मतलब होता है एक प्रस्तावित कानून जो संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो उसको हम बोल सकते हैं विधेयक। तो ऐसा कोई कानून जो संसद के समक्ष हम प्रस्तुत करते हैं उसको भी हम बिल ही बोलते हैं, या उसका दूसरा नाम होता है विधेयक। सर, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कमिटी पास्ड द बिल, इसका मतलब समिति ने विधेयक पारित किया। तो अगर कोई बिल संसद में पेश किया जाता है और अगर लोग उसको मानते हैं या उसको पास करते हैं, तो ऐसा कुछ बोल सकते हैं, द कमिटी पास्ड द बिल। फ्रेंड्स, बिल शब्द का तीसरा मतलब होता है विज्ञापन। तो सपोज आपका कोई दोस्त विज्ञापन चिपकाने का काम करता हो, तो हम उसको बोल सकते हैं कि बिल्स चिपकाता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ही स्टिक्स बिल्स ऑन बिल्डिंग्स, इसका मतलब वह इमारतों पर पोस्टर लगाता है। तो पोस्टर हमेशा कोई विज्ञापन का ही होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई फिल्म या तो कोई शो उसका। ही स्टिक्स बिल्स ऑन बिल्डिंग्स, यानी कि वह इमारतों पर पोस्टर लगाता है। और फ्रेंड्स, बिल का एक लास्ट मतलब भी होता है और वो होता है पक्षी का चोंच। तो पक्षी की चोंच को भी हम बिल ही कहते हैं। तो जो हम बोलते हैं द बिल ऑफ द बर्ड, तो इसका मतलब पक्षी की चोंच, तो उस केस में भी हम बिल शब्द का ही यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा बिल मीनिंग इन हिंदी विद एग्जांपल। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी मदद मिला हो तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे वीडियोज़ के फ्यूचर नोटिफिकेशंस चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।